हमने 2 दिन का प्रोग्राम आयोजित करा है जो कि बिहार फूड प्रोसेसिंग एग्रीटेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव एक्सपो और इंडस्ट्री मीट के ऊपर हमने करा है। ये जिसका जो आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CIMP और टाटा पावर ने मिलकर करा है। और इसमें जो है इसका लक्ष्य ये था कि हम 2 दिनों में जो है पूरी फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के ऊपर बात हो, चाहे पैकेजिंग के ऊपर बात हो, प्रोडक्शन बढ़ाने पे बात हो, तो हमने कोशिश ये करी है कि 2 दिनों में इस पर भरपूर चर्चा हो और इसका लाभ जो है वो बिहार के स्टार्टअप कंपनीज को मिले जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रही है। अब इसके लिए जो है हमने 30 बूथ जो है 30 स्टॉल बिहार के स्टार्टअप कंपनी को प्रोवाइड भी करवाया है, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रदर्शनी भी लगाई है कि वो कैसे आधुनिक प्रोडक्ट जो है उसको वो वर्ल्ड स्टेज पर रख रहे हैं बिहार के प्रोडक्ट पर, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो आपके और भी अलग प्रोडक्ट हो, उन सब पे उन्होंने, चाहे वो हनी हो, बहुत सारे प्रोडक्ट का उन्होंने डिस्प्ले करा है। और हमारा मकसद यही है कि हम किस तरीके से बिहार, क्योंकि बिहार में पोटेंशियल बहुत है स्टार्टअप को लेकर, खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि बिहार एग्री प्रधान जो है वो राज्य है। तो हमारी कोशिश यही है कि जब इतनी पोटेंशियल है तो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट क्यों ना पकड़े बिहार से, हम क्यों जो है सिर्फ प्रोडक्शन करके और दूसरे बड़े व्यापारियों को बेच दें और वो जो है एक्सपोर्ट करें उसको, उसका प्रोसेसिंग करके। तो हमारी कोशिश ये है कि बिहार से ही जो है एक्सपोर्टर जो है शुरू करें और यहाँ वो ज़्यादा लाभ कमाएं, चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोप हो या दुबई हो, ऐसे मार्केट को कैप्चर करें। तो ये हमारा ये मकसद था इस प्रोग्राम को आयोजित करने का। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था इसको मैं ब्रेकअप करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बिहार के जो फूड प्रोसेसिंग के जो इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, तो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक स्टार्टअप का जो ये कॉन्क्लेव है, इसका प्राइम एजेंडा है कि इनके जो मेजर चैलेंजेस हैं जो इनको ग्रोथ के लिए, आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इनमें योगदान दे सकें, नंबर वन। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है कि नीति आयोग ने मार्च-अप्रैल 2023 में एक ऐसी व्यवस्था डिस्कशन मोड पे लाया है नेशनल लेवल पे, जिसमें कि विभिन्न राज्यों को यह कहा गया है कि आप अपने एग्रीटेक पॉलिसी को प्रोमल्गेट करें, आप अपने राज्य में एग्रीटेक पॉलिसी को लाएं ताकि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। आमतौर पर एक सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर एग्री बेस मैनेजमेंट में कि जैसे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है हम कैसे बढ़ा सकें। अब जैसे वेजिटेबल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, टमाटर है बहुत ज्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, लीची है, फ्रूट्स जितने भी हैं, तो उनकी जो पोस्ट प्रोडक्शन हार्वेस्ट में जो लॉसेस होते हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकें, उनकी क्वालिटी को कैसे सस्टेन कर सकें, और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें, जिसकी GI टैग अवेलेबल नहीं है वो ले सकें, जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको कैसे दूर कर सकें। तो मुख्य जो उद्देश्य है कि सारे जो स्टार्टअप्स और स्पेशली एग्रीटेक स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें विभिन्न जानकारियां प्रदान की जाए। अभी हमारे पास कई सारे टेक्निकल सेशंस हैं, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के सीनियर साइंटिस्ट आए हुए थे, उन्होंने मिलेट्स के बारे में बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यह बताना चाहा कि कैसे जो हमारे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं वो कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में MSME सेगमेंट में अपना IPO लाकर कैसे वो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह एक बहुआयामी बहुउद्देशीय या जो है इवेंट है जिसमें कि मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को कैसे इन्हांस करना है, फंडिंग लिंकेजेस को एस्टैब्लिश करना है IPO के जरिए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंटल आउटपुट्स हैं उसको हम ये इंश्योर करें कि कैसे वो MSME सेगमेंट को बिहार से बाहर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें और देश से बाहर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम जो अब समापन की ओर बढ़ रहा है, एक इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि हम न सिर्फ यहाँ के MSME के सारे जो प्लेयर्स हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है और एग्रीटेक इंडस्ट्री में है, इनको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम